नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज हमारे पार्क में टाइप टू टाइप थ्री के जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है करवा चौथ के उपलक्ष में। और जो है सभी बहनें वहाँ पर पहुँची हुई है, मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। थोड़ा सा वीडियो बना के लाऊँगी और मैं भी लगवाऊँगी मेहंदी, आप लोग भी आइए। मेहंदी वाली इधर भी देखो, मेहंदी वाली बहुत गंभीरता से लगा रही है मेहंदी, हाँ खराब हो जाएगी ऊपर देखेगी तो। हमेशा की तरह मैं उपलब्ध, आज क्या है ये तो बता दो। आज हमारा मेहंदी नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है, मेहंदी लगवाने का त्यौहार है आज, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल करवा चौथ है। तो उपलक्ष्य में हम चाह रहे थे कि हमारे सोसाइटी के अंदर ही हमारे लेडीज को इतनी सुविधा मिल जाए, उनको मेहंदी लग जाए, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो दिन भर काम करती हैं, थक जाती हैं, उसके बाद बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हम मिल के आपस में ये त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। करवा चौथ पर मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ इनसे, तो आप बताइए कि कैसे लगी है। और सभी महिलाओं को करवा चौथ मुबारकबाद, थैंक यू सब। हाँ शुभकामनाएं। अब क्या करें, लगा ही रहे। नंबर बता दो, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। नंबर बताती हूँ अभी, मतलब किस नाम से है वो? हाँ हाँ अभी बताती हूँ। अच्छी लगाई है। देखो ये तो थोड़ी अच्छी और लगा दो ना, इसके पहली कड़ी। मैं तो अनएक्सपीरियंस हूँ, आप उनके पास जाओ, वो आपको बहुत अच्छी लगाएगी। करवा चौथ है ना, पूरा हाथ भर जाए। अच्छा अच्छा मेहंदी लगवाने आई हो क्या? अरे बता दो भाई, मेहंदी लगवानी है? नहीं अनाइसा, मेहंदी लगानी है? अरे इसको लगानी है भैया मेहंदी, ये भी बग गया। मेहंदी लगवाने आए हो? मेहंदी लगवा रहे हो? मेहंदी लगवाएंगे, लगवाओ भी लाइन में। अभी नहीं लगा है, अभी लाइन में खड़े हो, लाइन में लगवाएंगे। मेहंदी लगवाने आए हो? अभी भी आए हो? अभी आए, नींद का कोटा पूरा करके। हेलो एवरीवन, आज हमारा मेहंदी का प्रोग्राम है और हमने शॉर्ट पीरियड में ये किया है और सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए, किसी को पता भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी और हम सुबह से बिजी हो रखे हैं, जिसमें सुनील भैया छांव फाउंडेशन उनके सौजन्य से ये हो रहा है। और प्रभा हमारी दोस्त है और वो हमेशा कवरेज लेने के लिए आती है, हमारे साथ ही रहती है। मेरी बेटी भी आई है आज प्रोग्राम के लिए और आगे भी जैसे हमेशा की तरह, जब पिछली बार भी सुनील भैया ने प्रोग्राम करवाया था और प्रवीण भैया उसका इनिशिएटिव लेते हैं, तो RWA जो भी है उनकी उनकी तरफ से और जो भी हमारे भाई लोग हैं सभी का सपोर्ट है। और हम लोग सुबह से गए थे मार्केटिंग के लिए सामान लेने के लिए, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कि केवल हमने सवेरे से लेके सवेरे 12 बजे के बाद से हमने ये शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे। और लेडीज़ के लिए मतलब फूड का भी सिस्टम है और हाँ बच्चियों जो जो बच्चे लगा रहे हैं मेहंदी, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है लेकिन शगुन की मेहंदी है तो जो अपनी इच्छा से उनको जो लगा रहे हैं मेहंदी और रुके तो उनको वो दे सकते हैं अपनी इच्छा से, तो यही है सब कुछ। और बस बाकी सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से और पूरे किदवाई नगर परिवार को, किदवाई नगर के वासियों को मेरी तरफ से, आकांक्षा की तरफ से, प्रभा की तरफ से, प्रभा के चैनल की तरफ से,
सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुभकामनाएं। अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी हम रेडी भी नहीं हुए हैं। और देखिए टेंट का काम भी चल रहा है, अभी टेंट भी हमारा लेट हो गया, मतलब सब कुछ लेट ही था, पर ये है कि होप सो अच्छा है। अभी आगे डांस भी होगा, तो सबसे आगे मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल के माध्यम से मैं भी सभी को, पूरे ईस्ट के दुआई नगर को और भी सभी पूरी सभी लेडीज़ को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आज मेहंदी फेस्टिवल यहाँ पर भी है, टाइप 4 में भी है, पूरा मेहंदी हो रहा है आज का दिन। सभी लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक बार यहाँ पर दुर्गा पूजा आज हमारे यहाँ पर नगर टाइप 4 के बीच में सेंट्रल पार्क में हिंदी का प्रोग्राम रखा गया है करवा चौथ का, और बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल भी रखा गया था, खूब इंजॉय करा था, मेहंदी लगाई थी सब लोगों ने। आज भी डीजे वीजे लगेगा, डांस वांस करेंगे सब लोग, बहुत मजे आएंगे। पहुँचे नहीं सब, काफी लोग हमारे अभी आएंगे, काम धाम पे खाना वाना बनाने पे लगे आएंगे अभी, और धमाल होने वाला है। हाँ। सारी लेडीज से मेहंदी लगवा रही है, सारी लेडीज इसके बाद एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और खाने का इंतजाम भी किया। और प्रभा के चैनल के माध्यम से सबको मैसेज पहुंच जाता है, और प्रभा का चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रभा अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचाती है सबके, है ना। थैंक यू यहाँ तो खास सहेलियाँ बैठी हैं भाई, कहीं भी हो, मनाली नमस्ते। मेहंदी लगवाने आए हो? अरे हाँ बोलो यार, शर्मा क्यों रहे, हाँ बोलो। हाँ और स्मिता जी लगवा ली मेहंदी? हाँ जी, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, छाव फाउंडेशन के द्वारा मेहंदी लगवाई जा रही है, और कल करवा चौथ है, और इसकी बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा सा माहौल सा बन गया है, बहुत भीड़ है। थैंक यू सो मच छाव फाउंडेशन के लिए। ओके, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत सुंदर। थैंक यू। मेहंदी की बोल दिया, अरे मेहंदी दिखाओ भैया। आज की मेहंदी में नंबर 1 ये हमारे बिमला दिखने चल रही है ना, सीधे दिखा, ये लगा रही है बिमला मेहंदी, इतनी अच्छी मेहंदी लगवाने वाले हैं, हो गया उजाला भी हो गया, ये हैं लगवाने वाले, ये लगा रही है हेमा मेहंदी, बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, और ये लगवाने वाले हैं हमला उपाध्याय, लग गई मेहंदी बस जी, बढ़िया। अभी नहीं लगी? अच्छा, करो फिर इंतजार करो ना, मैं तो जल्दी आ गई थी, बीच बीच में मैं गायब हो जा रही हूँ ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी, अरे लग गई। चलो बढ़िया लगा ली, बहुत जल्दी आपने धोबी थी, दिन में लगा ली थी, अच्छा चलो आपने तो बाजी मार ली। कैसे हो? अरे कांता जी इधर भी देखो, अरे वाह, लगा ली
लग रही है और लगाने वाली तो ऊपर देख ही नहीं रही है, उत्तराखंड यही बैठा सारा। प्रियंका ऊपर भी देखो भाई, नंबर वन मेहंदी वाली यही है भैया। प्रियंका जी अर्पिता और आपका नाम प्रियंका। प्रियंका जी ये लोग बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है, दोनों ननद भाभी और बाकी सब पहने जो भी हमारी सखियां हैं सब बहुत ही बजा सकता, तो मैं सबकी तरफ से नई ताली बजा देती। अरे बाबू हैं अभी सारी चीजें समेट रहे हैं। हाँ बेटा, और सबसे खुशी की बात ये है कि सारे बच्चे मुझे पहचान रहे हैं। हाँ सबने बोला कि दीदी आप ही हो ना जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, चॉकलेट दे रहे थे, मुझे आपने टॉफी दी। अच्छा ये भी बता दें कि क्या मिला था, चॉकलेट। अच्छा देखो सबको याद है, बच्चे मन के सच्चे। तो रामलीला के अपार सफलता के बाद, जबकि अभी उसकी थकान मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मेरी सखियों के ऊपर से भी। हाँ कांता जी, हाँ कांता जी से पूछ। क्या बोले, रामलीला शुरू हुई थी उसके बाद तो सभी लोग किसी उसमें कार्य में लग गए। बिल्कुल, अभी घर की सफाई वगैरह सब सब फैला था तो उस समय के सफाई। इसी चीज को देखते हुए, इसी थकान को और इसी सब चीजों को देखते हुए हमारे भैया ने ये सोचा कि हमारी महिलाएं सारा काम करने के बाद बाहर जाएंगी, उनको तरह तरह की समस्याएं होंगी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आप लोगों के सुविधा के लिए ये प्रोग्राम रखा। हाँ बच्चा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल सही, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, अभी काफी देर तक चलेगी, डांस होगा, इसीलिए कि ताकि आप लोग इसको एंजॉय भी कर सको मेहंदी लगाने के साथ साथ। बस यही नहीं कि लगा के चले जाओ, आप लोगों का डांस भी होगा करवा चौथ के पहले का। कल गिफ्ट मिलने की खुशी में आज का डांस होगा। कल क्या क्या मिलेगा वैसे तो सबको पता होगा क्या क्या मिलेगा। हेलो, ये लगा ली मेहंदी, मैं तो सबसे पहले आ गई थी। हाँ तुम लेट हो गए, आप ठीक कह रही है। और जिनका अभी तक नहीं पता है तो सबसे पहले आ गई थी। आप लोग तैयार करें और हाँ नाम जरूर लिख। हाँ जी, हमारे बच्चे बहुत बेसब हो रहे हैं, ये प्रोग्राम करवा रहे हैं करवा चौथ का, महिलाओं के लिए बहनों के लिए ये हम इसलिए करवा रहे हैं। परमा जी ये हमने तीज का भी करवाया था तो बहनों ने कहा हमारे को इतनी देर तक बैठे बैठे थक जाएंगी और आपको घर पे जाके खाना न बनाना पड़े, इसलिए हमने आपके खाने का भी इंतजाम कर रखा है। तो सभी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि मेहंदी लगा के फिर लेडीज कैसे काम करेंगे, तो उसका हमने विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी बिना खाए नहीं जाए। हाँ मैं आ कोई भी बस बच्चा अभी के लिए। ओए जुगनू कहाँ जा रहा, जुगनू ओए जुगनू बात करके और इस तरह से मुस्कुराना सब कुछ पीछे छोड़ के ये हम चाहते हैं और इसलिए ये चीजें हम करते हैं ताकि आप खुश रह सकें।
मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और किदवई नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है करवा चौथ का। हाँ, इसीलिए ना कि ताकि हमारी बहनों के लिए वही बगल में इस मास के शुभ दिन पे भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन चल रहे हैं। इससे पावन और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। भगवान के नाम के साथ साथ पिया जी का नाम लिखा जा रहा है हाथों पे, दोनों बहुत ही ज्यादा शुभ हमारी लाइफ के लिए है ना। और जो अभी क्वार्टर में हमारी बहनें हमारी सखियां हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आकर के जल्दी जल्दी अपना नंबर लगाएं और मेहंदी लगवाएं और जल्दी से अपने काम को ख़त्म करके आ जाइए। आप जो लगवा के चले गए हैं वो भी आ जाइए, आपकी मेहंदी सूख गई होगी। अब डांस करिए आप लोग, आपके लिए इतना खूबसूरत हमने रखा है डांस का प्रोग्राम, तो प्लीज़ 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 इतना मज़ा लीजिए। ये आपका दिन है, आज का दिन स्पेशली आपके लिए है और आप इसको इंजॉय करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में वही काम करते करते हम खो जाते हैं, हमें लगता है कि यार मैं खो गई हूँ इसमें सही ना। तो अपना के लिए जवानी तो खैर हमारी कभी जाएगी नहीं, हम हमेशा जवान रहेंगे, लेकिन बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। ये हमारा सौभाग्य भी है और हमारी मजबूरी भी है, दोनों है। मजबूरी में बहुत कम मानती हूँ और सौभाग्य में बहुत ज्यादा मानती हूँ कि माता अन्नपूर्णा ने हमें ये वरदान दिया है कि हमारे हाथों में इतना जस होता है कि हम सेवा कर पाते हैं। अपने माँ बाप के साथ साथ हम अपने सास ससुर, अपनी फैमिली, अपने लोग यहाँ आकर के देखिए, जब हम शहरों में होते हैं, अपने घरों पे होते हैं, जब हम घरों में होते हैं तो एक हमारा समाज होता है, हमारे ज्यादातर हमारे अपने लोग जो बचपन से साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे माहौल में आते हैं जहाँ की हर प्रांत से अलग अलग लोग, हर कल्चर के लोग, जहाँ हम पहले रह चुके होते हैं लगभग हमारे ही कल्चर के लोग होते हैं, तो यहाँ पे आके इतने कल्चर के लोग एक साथ मिलते हैं, हम उनके कल्चर को अपनाते हैं। कोई तीज मना रहा है, कोई करवा चौथ मना रहा है, कोई कुछ लेकिन हम सब खुशी खुशी हर एक त्योहार को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी पहाड़ी बहनें डांस कर रही थी, उससे पहले हमारी स्मिता जी नहीं, ऐसे ही लगाना है, हम दिल खोल के करते हैं, हम खुला हुआ जो आता है उसका स्वागत है, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं कि हम इनको लगाएंगे उनको नहीं लगाएंगे, हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा। हम दिल खोल के रखते हैं, है ना प्रभा जी, हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो सब आए, जिसको आना है, जिस एज की महिला को आना है सभी आए, जिनका पर्व है वो भी आए, जिनका तीज है, बहुत लोगों का तीज भी होता है वो भी आए। मेहंदी लगवाना एक हमारा तो रस्म है, किसी भी त्योहार पे किसी भी दिन को हम लगाते हैं, चाहे वो भाई के लिए मनाए, चाहे पति के लिए मनाए, चाहे बच्चे के लिए मनाए, हम मेहंदी लगाते हैं। तो सभी लोग आओ और मेहंदी लगवाओ, लगे एंजॉय करो, डांस जरूर करिएगा, कोई बहाना नहीं कि मुझे आता है नहीं आता है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा है कि किसको आता है, सारी महिलाएं ही बच्चे यहाँ पर, और सभी लोग डांस करो, और डांस करने के बाद जब थक जाना तो खाक खा के फिर अपने घर जाना ताकत के साथ, ठीक है। सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, मेरा भी